अबे यार टेस्ट हो गया है, बट भाई क्या हो रहा है, क्या गंदा इंसान था, इतना मतलब इतनी तेज से उसने डाला ना अंदर से, मतलब यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है दैट इज क्लोज टू आई थिंक 5 किलोमीटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। और भैया आज हो गई है 14 अप्रैल 2020, यस 14th of April 2020 आज डेट, और टाइम हो गया, सॉरी मैं घड़ी नहीं लेकर के आया हूँ, एक्चुअली में टाइम हो गया 9:01। एक्चुअली पता है घड़ी क्या था, घड़ी अभी मैं दिल्ली गया था मंजीत के पास में, तो घड़ी मैं अपनी दिल्ली भूल गया, और जब से मैंने घड़ी बांधना स्टार्ट किया मतलब ऐसी ऐसी आदत लग गई, हमेशा टाइम ऐसे ही देखने के वो करता, और फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ। यस, तो अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई साहब अभी जा कहाँ रहा हूँ, तो अभी का सिस्टम ये देखो, तो अभी का सिस्टम ये भैया देखो, अभी मैं हूँ नोएडा बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन, और आई गेस मेट्रो भी आ गई, यस मेरी मेट्रो भी आ गई है, तो चलो मेट्रो के अंदर चल करके मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, बेसिकली कहाँ जाना है और क्यों जा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। एक बार सीट मिल जाए, माँ कसम भाई मज़ा ही आ गया, सीट भी मिल गई अपनी। यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है साला, रात के 9:30 इतना खाली कैसे है मेट्रो स्टेशन, मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है, सीरियसली बता रहा हूँ। राजीव चौक वो भी खाली था, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सॉरी चांदनी चौक रेलवे स्टेशन ये भी खाली हो, जबकि पता है राजीव चौक ऐसा रेलवे क्या यार रेलवे स्टेशन बोलो मेट्रो स्टेशन है जो मतलब कभी खाली नहीं रहता भाई, रात के तुम 11 बजे 10 बजे भी जाओगे तब भी काफ़ी भीड़ रहती है। अभी मैं उस दिन गया था यार 8:30 तब भीड़ थी। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हो गया 9:52 और मैं पहुंच चुका हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, यस हियर इज़ योर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। और हाँ मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जम्मू कटरा, यस जम्मू के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मैं मतलब घूमने के लिए नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, घूमने जाने के लिए नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये किसी एक मतलब कुछ काम है, कुछ ज़रूरी काम है, अचानक से काम आएगा उसकी वजह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हमें चलना है, और ट्रेन तो भी आई नहीं है, आई गेस आ गई है शायद उस साइड में खड़ी होगी, लेट्स सी। ओके प्लेटफॉर्म नंबर 9 एंड 10, तो अरे ये आ तो गई है यार अपनी ट्रेन, ये रही अपना कोच है भैया S3 एंड सीट नंबर 39, इधर 73 to 80 है तो मतलब उस साइड से होगा अपना, ये सही है भाई सीट नंबर 39 ये रही मेरी। और भाई मस्त आराम से सामान ऑन सेट करके भाई बड़े अच्छे आराम से मूड में सो रहा है, बहुत सही। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था दैट वाज इन आई गेस 15th of March 2020 और आई थिंक 16th of March 2020, दैट वाज माय लास्ट टाइम जब मैं ट्रेन में बैठा था। हाँ बट रेलवे स्टेशन आया था अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, आई गेस 15-20 दिन पहले आया था मैं रेलवे स्टेशन दीदी को ड्रॉप करने के लिए, बट मैन इतना ज़्यादा खाली रेलवे स्टेशन मैंने कभी भी नहीं देखा, मतलब देख रहे हो एक बंदा नहीं है, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली है भाई साहब, इतना मतलब आई मीन दिस इज समथिंग सीरियस मैन, तो रेलवे स्टेशन मतलब कभी वो रेलवे स्टेशन ऐसी जगह है जो यार कभी खाली नहीं हो सकती, और सोच रहा हूँ इतनी खाली। एयरपोर्ट तो चलो समझ में आता है कि भैया एयरपोर्ट अमीर लोग जाते, रेलवे हर कोई यूज़ करता। हाँ सीरियसली मैन दिस इज रियली सैड एंड स्केरी एट द सेम टाइम, मतलब क्या टाइम आ गया है, क्या टाइम आ गया है, जब मैं मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैं होली 2020 की होली मना करके जब मैं घर से वापस आया, तो मतलब और तब से लेकर के आज का टाइम है और तब का टाइम है यार, कितना ज़्यादा मतलब क्या हो गया, कब चेंज होगा ये। और हम मतलब हम इसमें पता है इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा पिस रहा है दैट इज़ कॉमन मैन, क्योंकि जो हमारे नेता हैं जो बिजनेस मैन हैं उनकी तो बढ़ रही है, अडानी के देख लो भाई साहब, इतनी पूरी दुनिया में इतनी वेल्थ नहीं बढ़ी है कुल लॉकडाउन में जितनी अडानी की बढ़ी है, अंबानी की बढ़ी है, अंबानी को देख लो तुम, हमारे नेता जो मतलब पता नहीं कौन चूतियों को नेता बनाता भाई साहब, पता नहीं कैसे कैसे बयान देते हैं और जाते हैं, डेली के 1.5 से 2 लाख केसेस आ रहे हैं आज के टाइम पर, और नहीं नहीं हमको तो भाई साहब रैली करनी है, 2-2 लाख लोग बुला करके एक जगह पे रैली करनी है। और भाई साहब टाइम हो गया 22:29 हो गए हैं और मेरी 22:30 पर मेरी ट्रेन चलेगी, तो चलो ओके जी, तो ट्रेन अपनी निकल चुकी है यहाँ से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अपनी ट्रेन निकल चुकी है और ये ट्रेन मुझे पहुँचाएगी 8:15 पहुँचा देगी मुझे, आई थिंक 8:15 और 8:18 ऐसा कुछ का टाइमिंग है इसका जम्मू तभी पहुँचाने का, सो लेट्स सी किस टाइम पर पहुँचाती है ये।
बढ़िया मस्त एकदम भाई, चल रही है राइड ट्रेन की, मस्त एकदम सही जा रहा है। चलो अभी गुड नाइट बोलने का अपना टाइम आ गया, मिलेंगे जब भी उठेंगे तब, सी यू। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पहुंच गया हूं भैया जलंधर कैंट, आई गेस यस जलंधर कैंट, मैं पहुंच गया हूं भैया जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। और इसके बाद में तीन स्टेशन और बचे, पठानकोट, इसके बीच में एक और स्टेशन पड़ेगा कठुआ आई गेस, उसके बाद में जम्मू तभी है। सो ज़्यादा दूरी की मतलब यात्रा नहीं बची है। अब भी पता यार सीन ये है कि मतलब ऐसा सुना है मैंने, मतलब अभी दीदी गई थी तो वो बता रही थी कि अगर दिल्ली से अगर तुमने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है तो तुम्हारा जम्मू में कोरोना टेस्ट होगा, और दिल्ली से मेरा कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। सो अभी थोड़ा सा ना फट रही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ, बट वो जो होता है ना कि यार लाइक फर्स्ट टाइम जब वो जो होता है वो थोड़ा सा ना उसकी वजह से फट रही है यार, फालतू में बकचोदी ना हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक। एंड भैया सुबह के बज गए हैं कितने, आई गेस 6:40 हो गया, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं रेलवे स्टेशन ऑफ कठुआ, ये 6:42, अभी एक मिनट के अंदर ट्रेन निकलने वाली है क्योंकि यहां पर 3 मिनट का ही हॉल्ट था, 6:42 6:43। एंड दिस इज योर सेकेंड लास्ट स्टॉप, दैट इज कठुआ। लेकिन हाँ एक ही प्रॉब्लम है यार, कार जब आप कौन सा लास्ट था, पठानकोट, हाँ पठानकोट के बाद से जब आप निकलोगे ना कठुआ के लिए, वहाँ से फिर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा अगर आपका पोस्टपेड नहीं है सिम, आई मीन लाइक प्रीपेड अगर आपका सिम है तो फिर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा। आपको जम्मू में आने के लिए आपको पोस्टपेड सिम की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे वैसे पहले पता थी, बट मैंने सोचा यार एक रात के लिए जा रहा हूँ, आई मीन लाइक एक दिन के लिए जा रहा हूँ, तो क्या ही मैं पोस्टपेड सिम लूँ। बट अभी आई गेस प्लान मेरा चेंज होगा या नहीं होगा ये वहीं जा करके पता लगेगा, क्योंकि सीन ऐसा कुछ है कि यार नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है नवरात्रि चलो, और यार यहाँ तक आया हूँ वैष्णो देवी ना जाऊँ तो ये तो गलत बात होगी ना, क्योंकि आई थिंक 45-50 किलोमीटर दूरी है वैष्णो देवी यहाँ से, मतलब जहाँ पे दीदी रहती हैं वहाँ से 45-50, हाँ आप लोगों को नहीं पता था अभी तक, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ तो जहाँ पर वो रहती हैं तो वहाँ से आई गेस 45-50 किलोमीटर है। सो इट वुड बी ईजी फॉर मी कि लाइक अभी चला जाऊँ, एंड वो होता है ना कि सोने पर सुहागा वाला, तो वो वाला सिस्टम रहेगा, नहीं तो क्योंकि बाद में तो फिर मैं कभी भी आऊँगा दोस्तों के साथ तब जा कर के, तब तो फिर घूमने घामने के लिए आऊँगा, ऐसे दर्शन करने के लिए नहीं आऊँगा। बादल ही बादल हो रहे हैं, बारिश होने के हाई चांसेस लग रहे हैं मुझे। ओके, इट इज़ रियली फीलिंग गुड कि एक साल एक महीना ना, आई थिंक 15 यस 14 है ना, सो यस एक साल एक महीने के बाद में ट्रैवल करने में अच्छा लग रहा है, और इतना लंबा है वो ट्रैवल करने के लिए, तो दैट वाज मतलब अच्छी बात है। और अभी तो अब तो यार ट्रैवल मेरा मोस्ट प्रॉब्ली मेरा चलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद में मैंने सोचा है कहीं और जाने का, लेट्स सी वो होता है या नहीं होता है। और लग रहा है हमारी ट्रेन चलने का समय हो गया है, यस हमारी ट्रेन अभी चलने वाली है एक मिनट के अंदर।
टाइम इज एग्जैक्ट 8 AM. एक्चुअली इस ट्रेन का टाइमिंग भी 8:15 पर 8 बजे ही पहुंचा दिया. फाइनली रीच जम्मू तभी. एंड यस अभी निकलते हैं. अभी यार नेटवर्क तो है नहीं, तो अभी निकलते हैं और देखते हैं कैसे क्या चलते हैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके. चलो आठ बज गए और अभी मुझे निकलना है. यहाँ से किधर जाना है वो मुझे पता करना पड़ेगा यहाँ से कि कैसे कैसे जाना है कैसे कैसे नहीं जाना है. सो पहले तो एग्ज़िट करते हैं, उसके बाद हम फिर पता करते हैं कि कैसे कैसे निकलना है कैसे कैसे नहीं निकलना है. तो फिलहाल भैया सिस्टम ये हो गया कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा मुझे. मुझे क्या मतलब जिन लोगों के पास में कोरोना का टेस्ट नहीं है, निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर टेस्ट करवाना पड़ेगा. मेरे पीछे काउंटर लगा हुआ तो यहाँ से मैं टेस्ट करवाऊँगा, उसके बाद में देखते हैं. होप फॉर दी बेस्ट यार. शशांक क्या नाम? कहाँ जाना है? मुझे जम्मू में ही जाना है. मोबाइल नंबर चल रहा है? हाँ नहीं, मोबाइल नंबर यहाँ तो काम नहीं करता. वहाँ टेस्ट कराओ फिर. मैं वो नंबर दे सकता. अब भाई यार टेस्ट हो गया है, बट भाई क्या हो रहा है, क्या गंदा इंसान था. इतना मतलब इतनी तेज से उसने डाला ना अंदर, दिमाग ख़राब हो गया. मतलब एक होता है कि जेंटली आराम से, एक होता है कि आराम से भैया कर लो, लेकिन उसने इतनी तेज से इतना जल्दबाजी में था ना कि लाइक पूरा एकदम नाक में अंदर डाल के भाई पूरा गंदी तरीके से पूरा एकदम बड़ा अजीब सा. बट कोई नहीं, अभी 10 मिनट के लिए उन्होंने यहाँ पर रुकने के लिए बोला है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर टेस्ट का रिजल्ट आया है. ये रही मोर जिसका टेस्ट कि मतलब ये मोर का मतलब ये है कि भाई साहब आप जो है टेस्ट के लिए सैंपल देकर के आए हैं, और 10 मिनट अभी वेट करना पड़ेगा कि रिजल्ट आने का, कि कोई पॉजिटिव तो नहीं आ गया गलती से. अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो उस हिसाब से फिर ये क्वारंटीन वगैरह का सिस्टम देखेंगे. तो अभी रिजल्ट आने का 10 मिनट वेट करेंगे. तो 10 मिनट के लिए मैं सोच रहा हूँ यार कॉफ़ी या फिर चाय मार लिया जाए. सुबह हो ही गई है, मैंने दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है कल दिन से, क्योंकि रात को तो मैं कुछ खा के नहीं आया था. भैया कॉफ़ी है क्या? कॉफ़ी कर दो, एक हॉट कॉफ़ी. एक हाँ अभी तक इसके अंदर लग रहा है. मतलब लग गया था वो, उसने ऐसे मारा ना, मतलब एक होता है जेंटली निकालना, एक होता कि साइड में वो पूरी लकड़ी चुबाना, वो उसकी वजह से अभी भी दौड़ रहा है. ये सारे के सारे जितने भी आए थे सारे के सारे यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भाई साहब अभी जो है रिजल्ट आएगा. और 2 गज की दूरी क्या बात, वैसे ये रैलियों से कम है. हाँ जी सर, तो सिस्टम ये है कि देखो अपने जो 10 मिनट थे वो हो चुके हैं, 8:20 हो गए हैं, और अभी मैं आ गया हूँ बाहर, और यहाँ से पकड़ूँगा बस, मतलब प्राइवेट बस, रोडवेज बस जो भी मिलेगी मुझे, यहाँ से जाना पड़ेगा जीवल चौक. ओके जीवल चौक पहले पहुँचते हैं, उसके बाद अराउंड 8 किलोमीटर होगा जीवल चौक, एंड जीवल चौक के बाद में फिर मुझे जाना है BSF कैंप. सो यस देखते हैं बसेस शायद ये वाली. यार आप एक तो पता है जम्मू में आकर के फटती बहुत है यार कैमरा यूज़ करने में. हर जगह आर्मी, हर जगह CRPF है, तो फटती बहुत है कैमरा यूज़ करने में इसीलिए. बट कोई नहीं, अभी यहाँ से चलते हैं और बस पकड़ते हैं. किधर से मिलेगा मुझे ऑटो? ये वहाँ से सीधा. थैंक यू. फलौड़ा जाएगी भैया, फलौड़ा जाएगी. ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टाइम हो गया है 9:20, और मैं काफ़ी टाइम से, पता क्या हुआ, जहाँ पर जेवल था या केवल था पता नहीं, हाँ जीवल चौक में मुझे रॉन्ग बस मिल गई, एंड मैं दूसरी साइड आ गया, और उसके चक्कर में फिर मुझे घूम कर वापस से जाना पड़ा, और यहाँ से बस भी नहीं मिलती है. तो अभी ऑटो किया, ऑटो से भी आई थिंक 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के 100 रुपये पता नहीं यहाँ का कुछ अपना रेट होगा, पर जो भी है जैसा भी है अभी पहुँचते हैं यार, देखता हूँ. क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो कोई आइडिया भी नहीं है यार कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे क्या है, और मेरी सिम भी बंद है तो गूगल मैप भी नहीं लगा सकता हूँ. सो
बस चल रहा है अभी, देखते हैं जब पहुंचूंगा तब बता सकते हैं भैया, तो पहुंचेंगे कब भी पहुंचेंगे। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. ये आपका BSF कैंप है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा हाईवे को उस साइड में BSF कैंप है, एंड दिस इज योर जम्मू सिटी। यस तो भाई देखो, आप लोगों को पता है नहीं पता है, मैं यहाँ से मतलब यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है दैट इज़ क्लोज टू आई थिंक 5 किलोमीटर 5 और 6 किलोमीटर, मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान बॉर्डर है, बट वहाँ पर जा नहीं सकते फॉर ऑफकोर्स रीजन्स यू नो वेरी वेल। भैया बॉर्डर लाइन है, मरना नहीं है ठीक है, और जेल भी जाने का कोई भी इरादा नहीं है मेरा। सो यस, क्योंकि आज सुबह सुबह पंगे हो ही गए थे। अच्छा है, आज सुबह सुबह के पंगे तो मैंने आपको बताया नहीं। आज सुबह सुबह पता क्या हुआ, रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकला मैंने सोचा शूट करते हैं, जब मैं बस में मिनी बस के अंदर में बैठने से पहले तो आ गई पुलिस पीछे से, हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या क्यों किस लिए, तो 50 क्वेश्चन पूछे, और जो फुटेज मैंने हल्की सी मैंने शूट की थी वो भी डिलीट करवा दी गई है। सो यस, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेटा अगर आ रहे हो तो कैमरा बहुत ही सोच समझ के यूज़ करो। वैसे ये DSLR है, बड़ा कैमरा है, ये तो कहीं से भी दिख जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ GoPro ले लिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। और अभी शाम के हो गए हैं 6:30 और काम भी मैंने कर लिया था, जिस काम के लिए आया था वो भी काम हो गया है। सो अभी निकलने का टाइम हो गया, अभी नहीं निकलूँगा, अराउंड 1 आवर और 1.5 आवर में मैं निकलूँगा यहाँ से। सो मस्त आराम से मेरी ट्रेन भी हो गई, ट्रेन है मेरी 9:45, यस 9:45 बजे मेरी ट्रेन है वापस दिल्ली। दिल्ली से आने के बाद में आई गेस मतलब ऐसी उम्मीद है कि अभी 2-4 दिनों बाद फिर से जम्मू आना पड़ेगा, तो जो भी घूमने घामने का सिस्टम है वो तब देखें, क्यों जो काम था जिस काम के लिए आए थे वो काम जरूरी था और वो काम हो गया, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। सो यस, आज का ब्लॉग जो है अब यहीं पर ख़त्म करने समाप्त करने का समय आ गया। मैंने पहले समाप्त कर दिया था ब्लॉग को मॉर्निंग में ही, बट मेरा जो माइक है ना, माइक गड़बड़ कर गया था तो आवाज़ नहीं आ रही थी उस फुटेज के अंदर। सो आई थॉट क्यों ना दोबारा से एक बार एंडिंग शूट कर लिया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज़ टेक केयर फ्रॉम कोरोना वायरस। पता है लोगों ने मजाक में लेके रखा हुआ कोरोना वायरस, बट इट इज़ रियली अ डेडली वायरस। क्यों, मेरी एक फ्रेंड है जो आज ही है उसका पॉजिटिव आया है, एंड भाई साहब उसकी हालत देख करके मुझे पता है उसकी कैसी हालत हो गई है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ, एंड घर के अंदर ज़्यादातर टाइम घर के अंदर रहो, अगर कोई काम या किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से तुम्हें बाहर ना जाना पड़े। सो प्लीज़ स्टे इन योर होम। मैं भी घर में ही मैं घर में ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम बाद आई गेस मैंने 2 साल बाद मैं यहाँ पर नहीं 1 साल 1 महीने के बाद मैं आया हूँ, ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया है। सो यस, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who